नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवधिक फार्मिक समय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आपके घर के आसपास पाए जाने वाला एक बहुत ही महाऔषधि से परिचित कराने वाला हूं, जो लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन आज आप लोगों को भी पता चल जाएगा यह कितनी महत्वपूर्ण औषधि है, कितनी गुणकारी है, कितना उपयोगी है। दोस्तों, इस पौधे से बहुत सी समस्या को आप आसानी से दूर कर सकते हो अगर इसकी पहचान कर लो तो। तो देखिए, इस पौधे को ध्यानपूर्वक पहचानिए, गौर से। इस पौधे में वह खास गुण है जो टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ सकता है, और इसके सेवन से आपके जो सीने में दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, पेट दर्द की समस्या रहती है, और पतले दस्त की समस्या रहती है, प्रमेह और प्रदर रोग की समस्या रहती है, उन सभी को यह आसानी से दूर करता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को दूर करने का मैं तरीका भी बताऊँगा, इसका प्रयोग करने का जो तरीका है उसे भी बताऊँगा। तो आप इस पौधे को देखिए, अच्छे से पहचानिए। इस पौधे का हिंदी नाम दोस्तों बजरहंती है, इसे बजरहंती कहा जाता है, और हमारे देहात क्षेत्र में इसे खरेरा का पौधा भी कहा जाता है। आप लोग अपने क्षेत्र में क्या नाम से जानते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अब आप जान लीजिए इस पौधे के जड़ में वह शक्ति है जो टूटे हुए हड्डी को, फ्रैक्चर को जोड़ सकती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। जैसे किसी को अचानक इधर उधर आते जाते या फिर कहीं भी काम करते वक्त चोट मोच लग जाए, या फिर गिरने की वजह से किसी भी कारण से हड्डियों में दर्द हो या फिर हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हो, तो आसपास देखिए, यह पौधा आपको तुरंत आसानी से मिल जाएगा। और तुरंत उस पौधे को उखाड़ लीजिए, यह काफ़ी मजबूत होता है। अन्य पौधों की तुलना में इसकी जड़ काफ़ी मजबूत होती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है उखाड़ने में इसे। तो उखाड़ने के बाद इसकी जड़ को काट करके बारीक पीस करके जहाँ कहीं भी फ्रैक्चर हो वहाँ हल्दी मिला करके इसकी पट्टी नुमा लेप कर दीजिए और कपड़े को बांध दीजिए। आपको दर्द भी नहीं होगा और धीरे धीरे फ्रैक्चर कुछ दिनों में ठीक होने लगेगा। आपको ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, यह वर्षों से अजमाई हुई एक सर्दिया दवा है। दोस्तों, अब इसके अलावा इस बजरहंती के पौधे की और मैं फ़ायदे आपको बता रहा हूँ। इसके जो पत्ते देख रहे हो, यह भी कमाल की औषधि है। इसके पत्ते को कुचल कर उसका रस निकाल करके, उस रस को हल्का गुनगुना करके उसे 2-3 चम्मच की मात्रा में आप पी सकते हो सुबह शाम। ऐसा करने पर आपके सर दर्द की समस्या, छाती में जो दर्द रहता है ना, हड्डी में दर्द, उसकी समस्या, गले का दर्द की समस्या, पेट दर्द की समस्या, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जो पतले दस्त के शिकार होते हैं, आँव पेचिस के शिकार होते हैं, उनके लिए तो यह रामबाण औषधि है। इस बजरहंती की पौधे की जो फूल आता है, अभी तो नहीं आया है, जब आएगा तो उसको भी दिखाऊंगा आपको। तो उसका काढ़ा बना करके, इस बजरहंती के फूल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से हर प्रकार का प्रमेह रोग, प्रदर रोग ठीक हो जाता है। इसकी और बहुत सारे औषधीय गुण है दोस्तों, जिसे मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा जब इसके फल फूल आएंगे, पौधा जब बड़ा होगा तब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अपने जीवन में वर्ष में एक बार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाइए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।